ये है अहरबल वाटरफॉल के साथ एक पार्क। व्यू देख सकते हैं आप कितना खूबसूरत है। और ये पानी जो जा रहा है ना, ये अहरबल वाटरफॉल ही का पानी है, पूरा ब्लू कलर का है। तो अपनी लाइफ का भी ख्याल रखें। यहाँ पे लिखा है योर लाइफ इज़ मोर वैल्यूएबल देन ए सेल्फी। सेल्फीज़ के चक्कर में कहीं आप यहाँ पे ना चले जाएँ, फेंसिंग क्रॉस ना करें। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कितनी भीड़ है टिकट के लिए। तो यहाँ से भी हमें टिकट लेनी पड़ेगी, उसके बाद ही हम एंटर कर सकते हैं अंदर। भीड़ कितनी ज़्यादा है आज यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये खूबसूरत रास्ते आपको ले जाएंगे उस खूबसूरत से वाटरफॉल की तरफ। ठंडा पानी लग रहा है। फाइनली द वेट इज ओवर और यहाँ से आपको पूरा व्यू देखने को मिलेगा। तो ये रहा मेन पॉइंट। पहले लोग आगे तक जाते थे, लेकिन जब से दो तीन डेथ्स हुई ना, उसके बाद यहाँ फेंसिंग कर दी गई है। तो यहाँ से अब कैमरा ही की जगह है, बाकी तो फेंसिंग लगा के बंद कर दिया गया है। यहाँ से आप देख सकते हैं यह है कश्मीर का नाइग्रा फॉल, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, देख सकते हैं आप। हेलो, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है पिछले दो एपिसोड आपको काफ़ी पसंद आए होंगे। और इस एपिसोड में आप देखने वाले हैं अहरबल वाटरफॉल। और फिलहाल जिस लोकेशन पे हम हैं ना, आपने मे भी मेरी पहली वीडियोस देखी होंगी, तो उस टाइम विंटर में मैं यहाँ पे आया था। इस जगह को कहते हैं हेलीपैड, शुपियन का हेलीपैड है। यहाँ पे जहाज़ वगैरह उतरता रहता है, तो हेलीपैड है यहाँ पे। इसके साथ ही स्कूल एक है, बहुत ही प्यारा स्कूल है। तो यहाँ पे एक व्यू पॉइंट भी मान लो आप इसको, एक व्यू पॉइंट के नाम से भी इसको लोग जानते हैं कि व्यू पॉइंट शुपियन और हेलीपैड शुपियन, क्योंकि आप बैकग्राउंड में एरिया देख सकते हो कितना खूबसूरत है। और दूर दूर तक आप अपनी नज़रें घुमाएंगे तो आपको काफ़ी बड़ा एरिया देखने को मिलेगा। फिलहाल हम यहाँ पे कुछ टाइम रुके थे, कुछ फोटोग्राफ्स लेते हैं, फिर हम चलते हैं अहरबल। यहाँ से आगे ही जाके कुछ थोड़ा ही सा आगे जाना है, फिर लेफ्ट लेना है हमें, अहरबल जंक्शन यहाँ से है। तो फिलहाल कुछ फोटोग्राफ्स ले लेते हैं यहाँ से, फिर चलते हैं आगे, ठीक है। हाँ मुझे सर, ओके सर। पूरा एरिया आपको यहाँ से नज़र आएगा। वहाँ पर भी एक गाँव है, नाम उसका पता नहीं है, जिसको पता है कमेंट्स करके ज़रूर बताना। और यहाँ से पूरा एरिया, खाने पीने के लिए भी आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे मिल जाएगा, यहाँ पे वैंस लगी हैं। तो बाकी ठंडा ठंडा पानी यहाँ से नीचे से जा रहा है। अब बिना टाइम वेस्ट करते हुए हमें यहाँ से आगे से यहाँ से लेना है लेफ्ट, और फिर हम जाएंगे अहरबल की तरफ। थोड़ा ही सा दूर रहा है, फिलहाल कुछ लोकेशंस को एक्सप्लोर करते हैं जितना हो सकेगा आज दिन में। यहाँ से बस अब 12 किलोमीटर का सफ़र रहा है, 12 किलोमीटर दूर है, और लेफ़्ट लेना है हमें यहाँ से आगे जाके। यहाँ से राइट अगर लेंगे ना तो मुगल रोड की तरफ जा सकते हैं। यहाँ से हम जाएंगे अहरबल, कितना 12 किलोमीटर था, बस 12 किलोमीटर का सफ़र है। तो अभी हम यहाँ से शॉप से कुछ ले लेंगे, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, क्योंकि गर्मी भी हो गई है, अब थोड़ी बहुत गर्मी लग रही है। मुदस्सिर भाई गए हैं शॉप, बस ठंडी है, ठंडी लाना। क्या रहा है? रुक 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 रुक, ऐसे मत फेंक ना, आराम से मैड एंगल्स। नहीं मिला, चल पे। आगे जाने से पहले एक खूबसूरत सी जगह हमें देखने को मिली यहाँ पे, आप देख सकते हैं काफी सारे लोग भी देखने को मिले यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो हमने सोचा कुछ टाइम हम भी यहाँ पे बैठते हैं। तो इस जगह का नाम है बुरहलन सिद्धू रोड, कुछ लिखा है गूगल मैप, सिद्धू रोड। यहाँ से है ना आगे, ये तार के बीच में से घुस रहा है। एक ब्रेक लेंगे आगे आगे, उस चेयर पे चलो, उस वाली पे। तो ये लोकेशन भी हमें अहरबल साइड जाते हुए मिली, काफ़ी खूबसूरत जगह है। तो ये जगह भी काफ़ी खूबसूरत है, इसीलिए कहते हैं कि जब भी आप किसी सफ़र पे निकले ना, पहले रास्तों को इंजॉय जब आप करेंगे तो आपका सफ़र खूबसूरत होगा, मंजिल खूबसूरत होगी। तो कुछ टाइम यहाँ पर ब्रेक लेते हैं, उसके बाद अभी 5 से 8 किलोमीटर का हमारा अभी सफ़र बाकी है। मुझे लगता है चलते हैं आप, क्योंकि सूरज जो है वो डलने को है, और अहरबल का मज़ा तब आएगा जब वहाँ पर जाके अच्छे से हम रील्स बनाएंगे, फोटोज़ लेंगे और इंजॉय करेंगे। मुझे लगता है इस जगह का नाम क्या कहा था वो भाई ने, छठीपुरा। एक सब्सक्राइबर मिले थे यहाँ पे, चलेगी वरना आपको दिखा था, छोटे से सब्सक्राइबर एक थे। तो सबसे पहले आप ये देख लीजिए, हमने हाथ में ले लिया वापस यहाँ पे। हाँ ये मतलब सर साथ उठाना पूरा, नहीं फेंकने चाहिए, और कुछ लोगों ने फेंके हुए तो हम उनसे ये कहेंगे कि ऐसे जगह पे आकर रैपर्स वगैरह ना फेंकें। और एक और बात देखो, यहाँ पे हमने भी देखी कि चेयर्स वगैरह लगाई थी, हमें लगा कि यहाँ बैठने के लिए अच्छी जगह होगी, तो हम भी यहाँ पे आए थे, लेकिन यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गंदगी है इसमें,
अगर इस जगह को भी साफ अच्छे से साफ सफाई इसकी होगी तो काफ़ी सारे लोग यहाँ पे विज़िट करेंगे, कुछ टाइम ब्रेक देंगे। तो एक और रिक्वेस्ट मेरी टूरिज़्म डिपार्टमेंट को और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन शोपियान को कि मेहरबानी करके इन चीज़ों की तरफ ध्यान दें। काफ़ी सारी लोकेशंस हैं यहाँ पे जहाँ पे लोग विज़िट कर सकते हैं लेकिन बहुत ही बुरी हालत में, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे, 5 से 10 मिनट हम यहाँ पे बैठे लेकिन बहुत मज़ा आया, बहुत ज़बरदस्त। और अपने एक सब्सक्राइबर भी मिले थे, लव यू ऑल, ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए। जब आप लोग कहीं पर मिलते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है, थैंक यू सो मच। अपनी टार्जन का लुक भी बहुत ही मस्त लग रहा है। रोड्स की थोड़ा बुरी हालत है यहाँ पे, सिंगल रोड है और काफी रिस्की भी है। अभी जिस एरिया से हम गुजर रहे हैं ना, इसका नाम है सदो और काफी खूबसूरत एरिया ये भी, देख सकते हैं आप घर कितने खूबसूरत खूबसूरत घर हैं, पुराने घर हैं यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम, अच्छा ठीक हो? सदर ठीक है, कौन चलते हो? नदी शरीफ की जोर तो आगे एक और खूबसूरत सी लोकेशन मिली हमें, यहाँ पे भी हम रुकेंगे जी। आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत जगह है यहाँ पे। अगर थोड़ा टाइम आप सफ़र के साथ साथ थोड़ा टाइम अगर रुकेंगे, एंजॉय करते चलेंगे, शोपियान फॉरेस्ट डिवीजन स्कीम कैंपा, और ये कुछ देखने को मिलेगा आपको यहाँ पे। देखो कितना खूबसूरत एरिया, फोटोग्राफ्स क्या आएंगे यहाँ पे, ए क्लास। वाओ, व्हाट एन अमेजिंग व्यू। अरे यार नीचे लोग नहा भी रहे उधर, ये वही हर्बल का पानी जा रहा है, देखो पूरा ब्लू है और पानी, देखो पूरा ब्लू है। यहाँ पे नीचे काफ़ी सारे लोग भी हैं देख सकते हैं आप, और ये व्यू आपको यहाँ पे मिलेगा जब आप हर्बल की तरफ जाएंगे ना, तो रास्ते में दोनों तरफ अपनी निगाहें रखिए, तब आपको जाके ऐसा व्यू देखने को मिलेगा। सामने का व्यू आप देख सकते हैं कितना मस्त है, जबरदस्त है, भीड़ ही बहुत ज्यादा आज यहाँ पे। तो अभी हमारी एंट्री हुई नहीं थी यहाँ पे हर्बल वाटरफॉल के पास कि हमें 20 रुपए का एक टोकन लेना पड़ा, एक टिकट लेनी पड़ी। मुझे समझ नहीं आता है इन पैसों का किया क्या जाता है फिर बाद में, ना ही रोड है, ना ही कोई साफ सफाई है, ना ही कुछ है, पता नहीं करते तो करते क्या है इस पैसों का। बस जी पहुंचने वाले हैं, पानी देख सकते हो आप, पानी का कलर कैसा है, पूरा ब्लू है, यहाँ से ज़्यादा फ्लो में उतर है इसलिए वाइट लग रहा है, आगे जाके मैं आपको दिखाऊंगा। अभी कुछ इस लोकेशन पे हम पहुंचे, ब्रिज जस्ट क्रॉस किया तो मैंने सोचा यहाँ पे कुछ फोटोग्राफ्स लेते हैं, काफ़ी अच्छा नज़ारा है यहाँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हर्बल, हमें यहाँ से ऊपर जाना है और कुछ लोग यहाँ पे कैंपिंग भी कर रहे हैं। एक बार यहाँ से आपको व्यू दिखाता हूँ मैं, फिर हम चलेंगे आगे वाटरफॉल की तरफ, यहाँ से जाना है हमें। हैव अ लुक गाइस, है ना मस्त लोकेशन, इट्स अ मस्ट विजिटिंग प्लेस। नाम काफ़ी बार मैंने सुना था लेकिन आया नहीं था आज तक पहले कभी, तो आज आए और काफ़ी मज़ा आ रहा है। तो जी एंट्री हमारी हो चुकी है हर्बल वाटरफॉल के पास, गाड़ी हमारी पार्क हो चुकी है यहाँ पे, बिना टेंशन के रहेगी, पार्किंग वगैरह है यहाँ पे, 30 रुपये में आपकी गाड़ी पूरी सेफ रहेगी यहाँ पे। तो पार्क हो गया है, भीड़ देख सकते हैं आप कितनी सारी है यहाँ पे, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कितनी भीड़ है टिकट के लिए,
तो यहाँ से भी हमें टिकट लेनी पड़ेगी, उसके बाद ही हम एंटर कर सकते हैं अंदर। अंदर आने से पहले एक और बार हमें 30 रुपए की टिकट्स लेनी पड़ी 3 बंदों की, लेकिन इन 30 रुपए का किया क्या जाता है वो भी समझ नहीं आ रहा है। यहाँ पार्क की हालत आप देख सकते हैं क्या है, बुरी हालत में, रैपर्स, पॉलीथीन, सब कुछ यहाँ पे। तो ये खूबसूरत रास्ते आपको ले जाएंगे उस खूबसूरत से वाटरफॉल की तरफ। चलो ये एक अच्छी बात है कि यहाँ से इसको थोड़ा रास्ता वगैरह जो है इसका काफ़ी अच्छा बनाया है। अभी हम यहाँ से जाके वहाँ पे जाना है, वहाँ पे वाटरफॉल का असली व्यू जो है, वहाँ आगे जाना है वो ना, उसके आगे फेंसिंग लगा के फिर वहाँ से बंद है वो। हाँ वो, चलो वेलकम टू हर्बल फॉल्स, द नायग्रा फॉल्स ऑफ कश्मीर। तो अपनी लाइफ का भी ख्याल रखें, यहाँ पे लिखा है योर लाइफ इज़ मोर वैल्यूएबल देन ए सेल्फी। सेल्फीज के चक्कर में कहीं आप यहाँ पे ना चले जाएं, फेंसिंग क्रॉस ना करें। तो यहाँ पे एक नेचुरल स्प्रिंग भी है, आप यहाँ से पानी वगैरह पी सकते हैं। फाइनली द वेट इज ओवर और यहाँ से आपको पूरा व्यू देखने को मिलेगा, देख लो। यहाँ से आप देख सकते हैं पानी का कलर कैसा है। अभी तक तो काफ़ी अच्छा लगा, नेचुरल स्प्रिंग वाटर वगैरह सब टेस्ट किया हमने, काफ़ी अच्छा था। पहले आगे जाते हैं, अच्छा यहाँ से देखते हैं, आज फेंसिंग लगा दी है यहाँ से, तो वो भी आपको दिखाते हैं, फिर फोटोग्राफ्स बाद में लेंगे, अभी हमने कोई भी फोटोग्राफ यहाँ पे नहीं लिया। यहाँ फेंसिंग कर दी गई है क्योंकि लोग अपनी जान जो है ना वो रिस्क में डाल देते हैं सेल्फी के चक्कर में, आगे चले जाते हैं वहाँ पर। तो यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ एक बार, जबरदस्त जगह। तो यहाँ से अब कैमरे की जगह है, बाकी तो फेंसिंग लगा के बंद कर दिया गया है। यहाँ से आप देख सकते हैं यह कश्मीर का नायग्रा फॉल, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, देख सकते हैं आप। तो यहाँ पे दिखाया गया है कि इससे आगे ना जाएं, काफ़ी सारे लोग रिस्क लेके इसके ऊपर से चढ़ जाते हैं, फिर लेने के देने पड़ जाते हैं उनको, इसलिए यहाँ से आगे ना ही जाओ तो अच्छा है। थोड़ा यहाँ पे ऊपर चढ़ते हैं, यहाँ से आपको पूरा व्यू दिखाते हैं इसका, यहाँ से काफ़ी अच्छा लग रहा है। और यहाँ से पूरे लोग भी आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे, हमारा भी अचानक प्लान बन गया तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर। यहाँ से आप दोस्तों एक और पॉइंट है यहाँ पे जहाँ से आप इस हर्बल वाटरफॉल का पूरा व्यू ले सकते हो। यहाँ से यहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा है इसीलिए थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ रही है वीडियो शूट करने में, लेकिन आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत व्यू यहाँ से नज़र आता है। और यहाँ इस पॉइंट से आप सेल्फी वगैरह ले सकते हैं, हम वहाँ पर भी गए थे उस पॉइंट पर, फिर वहाँ पर उस पॉइंट पर, तो यहाँ से आगे आप ना ही जाएँ तो अच्छा रहेगा। सो गाइस यहाँ पर भी हमने कुछ अच्छे जो अच्छा व्यू आता है ना इस पॉइंट से, काफ़ी अच्छा व्यू आ रहा है और हमने यहाँ से अपने फोटोग्राफ्स ले लिए। और यहाँ से गुजरते टाइम ऐसा लग रहा है कि चंडीगढ़ में रॉक गार्डन है उसी की तरह कुछ ऐसी फीलिंग आती है जब इस पोर्शन से हम गुजरते हैं। यहाँ से भी अच्छा व्यू आ रहा है ना, पानी कितना ज़्यादा है मगर ना, यहाँ से भी बहुत ज़बरदस्त व्यू है, लेकिन बहुत तेज़ फ्लो है पानी का। स्प्रिंग वाटर, जब भी हर्बल वाटरफॉल की तरफ आए ना, हाँ यहाँ का पानी जरूर टेस्ट करें आप। तो दोस्तों मैं आप सभी लोगों को, जो भी लोग अभी हमें देख रहे हैं, ये कहना चाहूँगा कि हर्बल लेक जो है वो काफ़ी अच्छी जगह है, हम लोग आज यहाँ पर पहली बार आए थे, काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। आप फैमिली के साथ आए, दोस्तों के साथ आए और यहाँ पर आकर इन्जॉय करें और ढेर सारी फ़ोटो लें, वीडियो बनाएं और इस जगह को और ज़्यादा प्रमोट करें।
अहरवल से आ चुके हैं हम और अब हम आए हैं कोसा नोस्त्रा कैफे एंड रेस्टोरेंट पे। ये राजी